जी आप लोग बोलो। बोलिए सर, इल्म से क्या मुराद? इल्म से क्या मुराद है? ये लफ्ज है इल्म, इसको अगर आप डिफाइन करें तो डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। इसी कैफियत डिफाइन आप कर सकते हैं। आप यूं कहो, एक लफ्ज है मालूम और एक है लामालूम। मालूम जिसको आप जान गए और नामालूम जिसको आप नहीं जान गए। आप इतनी बात याद रखो कि जो चीज मालूम हो जाए उसके अलावा जो बच गया वो इल्म है। तो इल्म क्या है? मालूम के अलावा शय मालूमा की नफी। तो इल्म हमेशा अपने जूजू मालूम बढ़ता जाएगा ना। आप यूं को इसका शक्ल जूं बनाओ, आप एक दायरा बना लो, दायरा वो गोल का दायरा। दायरे के अंदर जो आदमी है मालूम में है, दायरे के अंदर जो आदमी है वो कहां है? मालूम में। ये आपका दायरा बहुत बड़ा हो गया। जू जू बढ़ता जाएगा, इसका मुहित बढ़ता जाएगा, सरकम फ्रेंस जिसके आपका हो गए बढ़ता जाएगा। सरकम फ्रेंस के बाहर क्या है? असली इलम। अंदर क्या है? मालूम। तो मालूम और इल्म के दरमियान जो दायरा है इसे आप कहेंगे एहसास। ये आपका एहसास क्या है? जहालत का एहसास। जितना बड़ा मालूम होगा उतना बड़ा जहालत का एहसास होगा। जिसको एहसास है जहालत कम है उसका इल्म भी कम है और उसका मालूम भी कम है। जितना बड़ा एहसास है जहालत होगा उतना बड़ा मालूम होगा और उतना बड़ा इल्म की तमन्ना होगी। तो गोया के इल्म हमेशा तमन्ना ही तमन्ना है, हासिल नहीं है। इल्म क्या है? हासिल नहीं है, इसकी तमन्ना है। ये बढ़ता चला जाता है। तो आप इस इल्म को ये कहो, जितनी बातें आपको बताई गई हैं अल्लाह अल्लाह के बीच में वो आपका मालूम है। इल्म क्या है? उससे आगे, हर इस मकाम से आगे मकाम है तेरा। ये मिसर आपको समझ आ गए ना, इधर शान मिसर है। हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात जौके सफर के सिवा कुछ और नहीं। आगे सफर कर जाओ, ये जो कुछ आती है मालूम हो गया। और तो ही यही है समझने का तरीका है। तो ये क्या है? जो कुछ समझ में आ जाए वो खुदा नहीं हो सकता। जो समझ में आ जाए वो अल्लाह से, सुना है आज मंदिर में अल्लाह से मुलाकात होने वाली है, चलो उधर चल के मिलते हैं। कहते हो अल्लाह से मुलाकात जो तुम करने वाले हो ये गुमराही है, अल्लाह से मुलाकात हो ही नहीं सकती। अल्लाह से मुलाकात जो है ना यहां नहीं हो सकती, उसके लिए वहां जाना जरूरी है। और यहां से वहां, इस दुनिया से उस दुनिया में जाना होगा भेस बदल के। जब आप उस दुनिया में जाओगे फिर दीदार आम होगा, यहां नहीं हो सकता। लिहाजा मालूम शय अल्लाह नहीं हो सकता, इसको निकाल दिया मालूम है। और अल्लाह का इल्म क्या है? मालूम के अलावा। असल इल्म क्या है? मालूम के दायरे से बाहर। लिहाजा इल्म बढ़ता जाता है इस आते जालत के बढ़ने के साथ। मालूम को तर्क करते जाओ, ये तो मालूम होता जा रहा है ना, ये इल्म नहीं है। अगर मालूम को तुमने इल्म कहा तो इल्म खत्म हो जाएगा, इल्म बंद हो जाएगा। मुझे भाई मालूम है, लिहाजा वो मौलवी साहेबान, मैं मौलवियों के हाथ में हमेशा होता हूँ, वो मौलवी साहेबान जो मालूम का लेके छवि लेके बरसाते रहते हैं और वो इल्म से मालूम हो जाते हैं और इल्म से मालूम कर लेते हैं, वो मुतासर बनाते हैं। इल्म आगे, अल्लाह ताला के दीन की खूबी ये है कि 1400 साल पहले दीन नाफज हुआ, 1400 साल बाद के लिए भी इसी ने ऑपरेट करना है। लिहाजा इतनी न बढ़ा पाती है दावा की कायद के पुराने मदले में मालूम के साथ नई दुनिया के मालूम के सर पे तुझे मार, ये नामुमकिन है। इसमें बड़े वाकयात हैं जो मालूम में शामिल करने पड़ेंगे। अगर शामिल नहीं करोगे तो मालूम ऑपरेट नहीं करेगा। हर चंद के वह क्योंकि अल्लाह जो है कुल्लो जोमिन होबा फी शान, हर रोज शान बढ़ती जाती है उसकी, हर रोज उसमें इजाफा होता जा रहा है, हर रोज रौनक लगाता जाता है। अल्लाह ताला हर रोज कोई नया करिश्म कर देता है। अब पुराने इल्म से तो नया करिश्म नहीं समझ आएगा, लिहाजा नया करिश्मों की गुंजाइश जरूर होनी चाहिए। नया करिश्म क्या है? ये नया करिश्म है, नया इंसान है। पुराने इल्म के साथ नई जिंदगी को चलाने के लिए इतना सब चढ़नी है, या तो ये करो, दुआ ये करो कि जिंदगी तबाह हो जाए। एक बात कैसे तबाह हो जाए? कि पुराना इंसान आ जाए, फिर ऊंट पर सवार हो जाते हैं, फिर पैदल चलते हैं,
फिर वही खाना है, फिर वही जिंदगी है, या तो ये हो जाए। अल्लाह को तो ये मंशा नहीं है। मुझे एडवांस कर रहे हैं आप लोगों को, आपको आसमान दिखाई करा रहा है, स्पेस दिखा रहा है, कायदात दिखा रहा है, पता नहीं इंटर प्लेनेटरी सिस्टम आपके राज होने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या आप कर रहे हो, तबाशे कर रहे हो। फिर इसके अंदर अल्लाह ताला जो है ना उसको भी थ्रो तो आप नहीं कर सकते। अब अल्लाह ताला जो है ना उसको आप कैसे समझोगे? इन हालात और इन वाकयात के अंदर पुराने इल्म को असास बनाकर नया इल्म के सफर करवाना होना। असास वो कलमा होता है, आपको अल्लाह ताला जितना आसान कलमा था फरमा दिया, इस्तेमाल कर दिया। अल्लाह ताला आसमानों पर, अल्लाह ताला लामादूद, अल्लाह ताला गैर मरी, अल्लाह ताला नजर नहीं आने वाला, इनविजिबल नहीं है लेकिन साइट बनाने वाला है, आया तेरी बात। इनविजिबल आप नजर नहीं आता तो नजर पैदा फरमाता है, सुनाई नहीं देता समाते वो खुद पैदा करता है। तो ये कोई अजीब ही बात है, यानी कि समझ में नहीं आता, अकल खुद भरा करता है वो, और खुद समझ में नहीं आता। तो जब बड़े अल्लाह बड़े बल्ले पे बड़े बड़े लोग बड़े करीब से कहते हैं कि खास ही बल्ले पे अल्लाह खास ही है, आप ये कुछ और समझ बयान करते हैं वो आपको समझ नहीं आना चाहिए। तो अल्लाह के साथ मोहब्बत करना जाना बड़ा अगर लुत्फदार खेल है। तो अल्लाह ताला को समझने के लिए बड़े गौर से आप देखो कि कलमा उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह होना चाहिए था कलमा सब चल के, कि भाई वो अल्लाह है, वो ही कायनात का मालिक है, उसी की इबादत करो। उसके साथ मिला दिए कलमे में एक इंसान का नाम, और अल्लाह ताला आसमानों पर जमीनों के मालिक खालिक, और अल्लाह कहता कि मैं इंसान से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं दुरूद पढ़ता रहता हूँ। अब बताओ ये कोई अल्लाह वाली बात तो नहीं है ना? इंसान पर दुरूद भेजना, आप गौर करो ना, अल्लाह होकर इंसान पर दुरूद भेज रहा है, पर इंसान का मकाम तो पहचानो ना, इंसान का मकाम क्या है। और अल्लाह ताला अपने सबूत के तौर पर इंसान को भेज रहा है कि मेरा होना साबित करेगा। कौन साबित करेगा? इंसान। और इंसान पर अल्लाह दुरूद भेजे, फरिश्ते दुरूद भेजे, फरिश्ते क्या हुए फिर? कम अज कम मतलब पे दुरूद जिस पर जात पर भेजा जा रहा है उस जात के अंदर गुलाम भी होने चाहिए फरिश्ते। और अल्लाह का दुरूद कुछ और होगा, आप बताओगे कुछ और होगा, कुछ और होगा, कुछ और होगा, जो मर्जी का करो दुरूद भेजता अल्लाह। इतनी बात है, अल्लाह ताला ने अपनी इंसानों से जो मोहब्बत है वो गलत करके एक इंसान को वादा फरमा दिया कि ये है मैं तकलीफ के कायनात, ये बड़ा राज है। तो लिहाजा अल्लाह ताला को समझने के लिए इल्म के हवाले से समझोगे तो मालूम की नफी करते जाओ, आगे अल्लाह है, ये तो अभी मालूम हुआ नहीं, ये तो अल्लाह की सिफात नजर आई है, अल्लाह आगे है। सिफात से निकलो, सिफात क्या है? रिजक, राजक, हैरान करने वाला, अव्वल है, आखिर है, जाहिर है, बातन है, आवस है, बताएंगे वलबुलर नाजर, सारी कायनात जितनी भी सिफात है बोलते जाओ, निन्यानवे हजार ही बोल दो, तीज अल्लाह की सिफात है। सिफात तो अल्लाह नहीं है, अल्लाह तो जात है। सिफात से निकलो तो जात के दर्जे में जाओ, कायनात से निकलो तो खाल के कायनात को समझ जाओ। जब आप पर रिजक राजक से आप निकल जाते हो, कायनात से निकल जाते हो, अपने होने और न होने से आजाद हो जाते हो, जन्मों से भी निकल जाते हो, तो फिर जात तक पढ़ते हो। तो जात के आगे जाना जाके इल्म जो है वो जात तक रहता ही है। तो गोया के सिफात से जात तक लाइन जो है ये इल्म की लाइन है, यानी कि रिज्क को और तकसीम को गौर करने से राजत तक पहुंचना ये आपके लिए क्या होगा? ये इल्म होगा। इल्म होगा जिंदगी से मौत को दरियाफ्त करना, मौत से जिंदगी को दरियाफ्त करना, होने से न होना दरियाफ्त करना, न होने से होना दरियाफ्त करना, अपनी विल में विल ऑफ गॉड को दरियाफ्त करना और उसकी विल में अपनी विल दरियाफ्त करना। यह भी कह रहा करो डर ना करो, खैर है, कभी कभी अल्लाह हमारी मर्जी भी करता है, कभी कभी हम उसकी मर्जी भी कर लेते हैं, मतलब मजबूत लोग हैं ना, हमारे पास टाइम थोड़ा है, कभी कभी हम उसे कहना मान लेते हैं, मेहरबानी है उसकी, फिर हमारा अल्लाह है। कभी कभी हम उसे कहना नहीं मानते, फिर भी हमारा अल्लाह है। कभी कभी हम उसे खुश कर लेते हैं, फिर भी हमारा अल्लाह है। नाराज तो बगैर होता नहीं है ना, हमारा हम पर नहीं हो सकता, आप बात समझ रहे ना, क्योंकि नाराज कब होगा जब हम नाराज होंगे, हम हमेशा के लिए राजी हैं उस पर, लिहाजा वो हम पर राजी है। तो अल्लाह ताला को इल्म के हवाले से पहचाना करो। और हजूर पाक की हदीस क्या है? मैं हूं मदीना इल्म का, यानी कि इल्म का शहर तो हूं मैं, उलूम का मस्दर मैं हूं, उलूम मुझसे और सारे उलूम मेरे तक, उलूम जो है वहां से निकलेंगे वहीं तक पहुंचेंगे। तो गोया के हजूर पाक के मोहब्बत को इल्म बोलते हैं, आप आ समझ रहे। और ये इल्म किस हवाले से चलेगा? आगे अली उन बाबू हाथ से चलेगा, जहां अली मदद से चलेगा। आप करते जाओ, एक दरवाजा पकड़ लो
अगर बाबे अली पकड़ लो तो फिर इल्म के दरवाजे तक आप पहुंच जाओगे, आप चलते चले जाओ, डरते क्यों, किसी एक सहारे से चलते जाओ। हजूर पाक की तक रसाई जो है ना, ये इल्म है। आगे लंबी छोड़ी बात हो रही है, अल्लाह तक रसाई की बात नहीं हो रही है, हजूर तक रसाई की बात हो रही है। इल्म यह कि वो इल्म है जो जहालत इल्म होता है वो किसी दाना तक रसाई करता है, वो अपने रसकन बेकन किधर से किधर, कौन से क्या बाब, कौन सा बाब होता है सोशलिज्म से कम्युनिज्म तक, ये और गायब की बात है। और वो इल्म जो हजूर तक रसाई करा है वो इल्म इल्म है, और सही रास्ता इल्म का वही है। इल्म का मतलब यह है कि मसरूफियात के अंदर आपकी फानी जिंदगी की लाफानी मसरूफियात, बेचारे छोटी जिंदगी में बहुत सी मसरूफियात करने वालों, आपके लिए ये पैगाम है, इस जिंदगी में हजूर पाक की मोहब्बत को दरियाफ्त कर लो, ये इल्म है, और इस इल्म को जरूर हासिल करना, वरना तारीकी में गुम हो जाओगे। तो इल्म रोशनी है, और इल्म जो है रोशनी किस लिए, ये रोशनी जो है रोशन तक पहुंचाए तब रोशनी है। अगर ये रोशनी रोशन तक ना पहुंचाए, जो रोशनी का मीनार है वहां तक ना पहुंचाए, तो फिर आपकी ये जहालत है और आपका कंफ्यूजन है। इल्म कंफ्यूजन ना बचाओ। और मुझे याद था वो क्या था, वो भूल गया, वो याद था क्या था वो भी भूल गया, वो याद था क्या था वो भी भूल गया। इस वाले से पूछो कि महबूब का नाम याद है, कहते क्यामत तक याद है, दस क्यामते होंगे तो बजनों को लाला का नाम नहीं भूलेगा, हजार बार इंकलाब आ जाए, सौ बार कुछ हो जाए, मजनू के लिए लाला का नाम नहीं भूलेगा, ये इश्क है। अगर आपको इश्क जाए बारगाह समदियत या बारगाह रिसालत की तरफ रजू कर जाए, इल्म इल्म है। तो इल्म का मतलब यह है कि इस आर्थिक एहतियात से, इससे या तो बचने का इल्म मालूम हो जाए फिर इल्म मिलेगा। ये जो कुछ है, एक आदमी पूछा ये चीज खरीद लिया मुबारक हो, कहता हाँ मुबारक हो, और कहता हाँ मैं देख रहा हूँ इस नई चीज के अंदर इस चीज के चीसड़े भी नजर आ रहे हैं, कुछ अर्सा के बाद, कहते मेरा दिमाग कुछ अर्सा के बाद एडवांस है, वो क्या है, कहता हाँ ये चीज है अल्टीमेटली ये स्क्रैप ही है। कहते अभी नया, अभी आप कैसे कह रहे हो, कहते हाँ नया में तो हम देखते हैं, पुराना पुराने में हम नया देखते रहते हैं, हम यही है, कहते ये मकान खूबसूरत मकान मुबारक हो, कुछ अर्सा के बाद पांच दो चार पांच हजार साल के बाद आप एक पुरानी तहजीब के तौर पर दरियाफ्त हो गए, जहां इंसान रहते थे इन इलाकों में, वो मुंजधारो लाहौर शहर होता था यहाँ पर, आप भी लोग होते थे वहां पर, कहते वहां बड़े बड़े बल्ले में लोग थे, ये कहते कहते लोग रहते थे, ये कोई रहने की जगह है, इस तरह के वाकयात होंगे कुछ अर्सा बाद, और ये आपके लिए तो कुछ अर्सा बाद आपके जाने के बाद शुरू हो जाएगा, आप जहां चले जाओगे, यहां रहना भी मुश्किल है, निकलने का जमाना आएगा तो बदले में निकलना मुश्किल होगा आपके लिए। एक आदमी जब खुदा ने कहा था मर गया, उसको जाके मिले कुछ लोग मरने वाले थे, ना भी क्या हाल है, ठीक ठाक ना, मौत समझ आई, अब तो मर गए हो ना, बताओ ख्वाब में मुलाकात में से होते कश्मीर के दूर, उसने पूछा क्या मौत तुम्हें समझ आई, क्या है मौत, कहते तुम ये बताओ तुम्हें जिंदगी समझ आई, तुम जिंदा हो तुम्हें जिंदगी समझ नहीं आ रही, हम मर गए हमें मौत समझ नहीं आई। तो ये इल्म जो है ना ये और चीज है, जिंदगी में जिंदगी का इल्म समझ नहीं आता, मौत में मौत का इल्म समझ नहीं आता, पर इल्म उसकी मेहरबानी और निगाह का नाम है, अगर वो ताफर मारे तो लाइब्रेरियों में इल्म नहीं जाता, ये बात याद रखना, इल्म बाहर ही पा जाता है, हाँ निगाहों में जाता है आमतौर पर, दिल में जाता है, कहते उसने देखा दिल में धड़कन शुरू हो गया, ये इल्म और है, कहते देखने से दिल जो है धड़क गया, ये कोई और इल्म है, उसने गुस्से से देखा दिल फटक गया, वैसे ही खुदा हो गया बिल्कुल इतवा हो गया, ये भी इल्म है। गुस्से की निगाह असर करती है, मोहब्बत की निगाह असर करती है, इशारे की निगाह असर करती है, हर तरह से निगाह बोलती है, नजर बोलती है, ये सुनता कौन है, दिल सुनता है, तो निगाह की बोली दिल सुनता है, ये इल्म है, अजब इल्म है, ख्याल की बात ख्याल सुनता है, ये अजब इल्म है। खाली बैठे रहो कुछ अर्सों के बाद दोनों दोस्त बन जाएंगे, चुप रहे दो घंटे बैठे रहे, वो भी चुप रहा वो भी चुप रहा, जाते हुए कार्ड एक्सचेंज किए, सारी उम्र के दोस्त बने हुए, कुछ नहीं बोले थे, बोलने का मौका नहीं था, आप तक काम में लगे हुए थे, उसको देखा उसने देखा ये मेरे ये पता, और उसके बाद सलाम लगा, कहता आपकी मोहब्बत जो है ना दिल में इतनी कायम होगी कि बस कायम ही होगी, और बोला कौन नहीं है, लिहाजा गुफ्तगू से बेनियाज भी होता है, ये वारदात होती है, बेनियाज गुफ्तगू से है, अल्फाज से आजाद भी होता है इल्म, अल्फाज से बाहर भी होता है, इल्म हासिल होता है कुछ देने वाला मिले तो इल्म मिलता है, वरना मिलता ही। तो इल्म जो है देने वाले की मिजाज और उसकी मेहरबानी का नाम है, इल्म क्या है, देने वाले के मिजाज का नाम है, उसकी मेहरबानी का नाम है। इल्म अमानत है अल्लाह ताला की तरफ से, आप कैसे के मानते लोग लेके फिरते हैं, कभी उनको नजर आ जाए तो कबूल कर लिया करो,
ये हमारी मिलती है किसी कहने वाले से, और जब मिल जाती है फिर आपको इल्म हो जाता है। ऐसे हो सकता है कि एक आदमी खामोश आदमी, इसी तरह सुन रहे हो क्या, खामोश आदमी आपके पास से गुजरे और आपके बात किए बगैर आपका इल्म बता कर दें, ऐसा होगा? ऐसे हो सकता है? बेशुमार ऐसे लोगों को मिले, मौलाना रूम का ऐसा इल्म मिला, मौलवी थे मौलाना रूम, मौलाना नाम था मौलवी जलालुद्दीन, अब पूरे मौलवी थे वह हदीसों का पढ़ाने वाले, किताब नोट्स बनाए हुए थे उन्होंने बड़े, और उनको पाठ सुनाते थे तो ये काल अल्लाह ताला फिर कलाम मजीद फिर सुनाया, फिर तकीर डाल दी, फिर हदीस सुनाई, फिर फिका सुनाई, फिर बड़े रौनक लगाई जलवा, मस्जिद बनाई थी मदरसे के साथ, या मदरसा बना हुआ था मस्जिद के साथ, एक दर से निजामी सिलसिला था, बड़े लोग दूर दूर से आते, और उसके जमाने में एक और दूर से आदमी आ गया, लंबा सड़ंगा बंदे वैसे परेशान हाल से बंदा, उसने कहा ये मौलाना क्या कर रहे हो, कहते ये इल्म की बात है तुम क्या समझे, अच्छा इल्म की बात है मैं नहीं समझता, वो उसने किताबें उठाई, उठा के मस्जिद के अंदर जो वजू का था उसमें डाल दी, मौलाना कहते मेरी मेहनत कमाई जाया हो गई, उम्र की कमाई, मेरे नोट थे, तेरे खुशात थे, पता क्या कर लफ बोले मौलाना ने, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मेरी कमाई जाया करनी, तू नहीं बाबा तू क्या आदमी है, अच्छा तो होता है मौलाना इलम तेरा जाया हो गया, तेरे जाया कर ली तुझे मेरे इलम, कहते इलम कभी जाया होता है, उनका मेरा जाया हो गया सारे इलम मेरा जाया कर दिया, उनका अच्छा हमारे इलम तो जाया नहीं होता, उन्होंने हाथ डाला पानी में कुछ किताबें बाहर निकाल दी, किताबें खुश की खुश मौलाना को दे दी, मौलाना कहते ये क्या, कहते ये मेरा इलम है, ये कभी जाया नहीं हुआ, तेरा इलम दियाबुर्द हो गया, मेरा इलम जाया नहीं हुआ, अलग दियाबुर्द वो कुरान को पिका था, ये कोई और नहीं थी, मतलब लम्बा फेर दबा पदी कौन लोग, ये क्या वाकया था, और वो जो जाहरी तौर पर इल्म था और ये बातमी इल्म था, उठा लिया, मौलाना ने कहा अब मैं पढ़ाना पढ़ना बेकार है, अब तो गुलामी आपकी रात है, चल पढ़ा, उन्होंने कहा अब तुम ये ढूंढ नहीं सकता, गायब हो गया, चला गया, निराश होकर चला गया, कि तूने मेरे इस्तकबाल सही नहीं किया, इस्तकबाल सही था तू मुझे मिलता है ठीक है, और कहते हैं कुछ साल 10 साल 5 साल 3 साल के बाद मौलाना ने उसको जंगलों में जाके ढूंढा, और मौलाना के साथ ही बड़े परेशान थे कि मौलाना की तबाही होने की बर्बाद है, अब मौलवी आदमी का किसी मजदूर के पीछे चल पड़ा, क्या हो गया, जाके मौलाना ने कहा कि देखो बाबा जी मैंने आपको 3 साल के बाद आपको पाया है, उन्होंने कहा मैं तो 20 साल इंतजार के बाद तुझे मिला हूं, तो गोया के देने वाला भी इंतजार करता है लेने वाले का, लेने वाले को भी इंतजार होता है देने वाले का, तो इतनी सी कहानी है कि इल्म जो है ये दोनों के इंतजार का खात्मा होता है, जहां वहां इल्म पैदा होता है, तालब और मतलूब जहां मिलने लगते हैं वहां से इल्म पैदा होता है, उससे पहले सारा सफर जो है ये इंतजार का है। फिर मौलाना ने कहा कि मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम का गुलामे शम्स तबरेज़ी नशुद, फिर मौलाना तरीब की इल्म की खुद ही मौलाना की, मौलाना कहते हैं कि इल्म रा मर संजनी मारे भवन, इल्म को अगर वजूद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो ये तुम्हारा सांप है, और इल्म को अगर तुम बातन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो ये तुम्हारा यार है, इल्म दिल का अगर हो तो ये यार है, और इल्म तन का हो वजूद का हो तो ये तुम्हारा सांप है, बस ये है इल्म, इल्म क्या है आज दिल का साथी, और जो इल्म है वो इल्म है, और तन का साथी जो है ये जहर है, इसको बोलते हैं और इल्म हिजाबुल अकबर, मलकूत कहते थे उसको इमलीस को, क्या वो फरिश्तों को सबक देता था अल्लाह ताला की तौहीद सीखो, खबरदार डिसिप्लिन में रहो, अब सजदे का टाइम हो गया, अब रुकू का टाइम हो गया, बड़ा कहते मुअल्लिम था और खुद न समझा, एक बात क्या है खाली इल्म जो है ना वो ऐसे डिसिप्लिन से नहीं आता जब तक इश्क ना हो, क्योंकि सजदा करते रहे अगर इस्लाम जाता है जाने दो तू सजदा का, अगर अल्लाह से मोहब्बत होती तो फिर तू अल्लाह उसको अल्लाह को कहता है डिसिप्लिन की बात, उसने कहा सजदा कर वो सजदा कर जाएगा, तो मोहब्बत से मारूम होना और इल्म पर नाज होना यही गुमराही है, तो इस तरह ये करो कि मोहब्बत कायम रखो, इश्क जो है असली इल्म क्या है इश्क नाम है, कि अगर वो चाहे तो ये भी निसार, एक जब हजूर पास ने पूछा सहाबा किराम से कि तुम लोगों को समझ आ गई इस्लाम क्या है, उन्होंने बड़ी सारी बातें दोहरानी थी ना, कहीं हमको समझ आई इस्लाम जो है अल्लाह ताला की तौहीद को मानना, अल्लाह की रिसालत को आपकी रिसालत को मानना और ये सारी बातें माना वृक्ष पर सब सबक जहाज हो गया, हमने कहा ठीक तो है समझ आएगी इस्लाम की, और की बात जहाज करना ये करना सब, एक आवाज आई कि ये हम तो ये समझे ईमान ये है, ईमान भी आप पर निसार है,
अल्लाह यह है बात, असल बात यह है इल्म की बात। असली इल्म क्या है कि जो ईमान है ईमान भी आप पर निसार। अब मैंने इसको आपको ये बताई थी बात कि जिंदगी बचाने वाला अगर जिंदगी कीमत में मांग ले बचाने की तो उसको दे दो। भाई इतनी सारी कहानी है इसके अंदर, यानी कि जान बचाने की कीमत अगर जान ही ले ली जाए तो फिर दे दो। तो ईमान जो है ईमान देने वाले पर ईमान भी निसार, ये असली इल्म है। तो इल्म वो जो आपको देने वाले की निशानदेही करे, तो देने वाले का पता तो आप इल्म करते जा रहे हो। बस आप ये देखो ये लॉर्ड बटन रसल है, इसिया वेस्टर्न फिलासफी है, पढ़ते जाओ सुबह सुबह। इससे उस आदमी के साथ आपको वालाना पन मोहब्बत नहीं होगी, आप उसका असर कबूल कर लोगे। आप उसका कहोगे वो बड़ा अच्छा आदमी था, धना आदमी था, जब अच्छा आदमी था। अब असर कब होता है जब आप ये कहो कि इस आदमी के साथ मेरी आखिरत भी शामिल हो, फिर असर होता है। कोई शख्स नहीं कहेगा कि उसकी आखिरत जो है ना रसल के साथ हो। कहता है इल्म उसका सही है, मैं ये नहीं कहूंगा कि जहां वो गर्क हुआ वहां मैं गर्क हो जाऊं। तो लिहाजा मोहब्बत जो है उस इल्म को इल्म कहो जिस इल्म से साहेब इल्म से निस्बत जो है मोहब्बत की पैदा हो जाए, वो इल्म है। आप बात समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी, आपको अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलब पैदा हो गई, ये इल्म है। आपने नात शरीफ सुनी और आपका घर से निकल खड़े हुए, ये इल्म है। क्या नात सुनते ही दिल के अंदर जो है खामोश जज्बे तूफान बन गए और आप चल पड़े, ये इल्म है। इल्म जो है ना सिर्फ मुतसर होना नहीं है, हैरान होना नहीं है, दाद देना नहीं है। इल्म क्या है कि उससे मोहब्बत का तूफान पैदा हो जाए, फिर आप चल पड़े होगा, फिर आप घर से निकल खड़े हुए। और घर से निकल खड़े हुए जो है ना वह ये वाक्य है कि आप उसकी तलाश में चल पड़े। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से मतलब इल्म की तारीफ ये करो कि इल्म जो है उसका रास्ता दिखाने वाला, और जो उसके रास्ते दूर ले जाए वो जालता है, चाहे कितनी बड़ी मुरस्सा हो। इसलिए बाकी सारा इल्म जो है वो बेकार है, वाजिबी है। आप बेशुमार बातें कर रहे हो, कमरे को आप लोग सब जानते हो, कमरे को इंटीरियर डेकोरेटर की जरूरत होती है, कभी होती है कि नहीं होती, ये अलग इल्म है। इसको जाया करने वालों की अलग जरूरत होती है। इल्म का तलक जो है वाबस्तगी का पैदा करने वाला, वाबस्तगी उससे जिसके साथ आपकी आकबत और आखिरत का तलक हो। मैं आप इतनी बात याद रखो कि आखिरत के साथ तलक करने वाला जो है वाबस्तगी पैदा हो जाए तो वो इल्म है। बाकी सब जो है गुमराही है, जहालत है, उससे बचो, ऐन बचो। बाकी तौहीद का इल्म क्या है, मालूम की नफी करते जाओ। जो समझ में आए वो खुदा नहीं हो सकता, ये समझ में आ गया ये भी खुदा नहीं हो सकता, कभी ये समझ में आया खुदा नहीं होता, ये चांद है खुदा नहीं हो सकता, ये समझ आ गया हमें, सूर्य समझ आ गया, और शुक्र करो खुदा समझ में नहीं आया। कायम है इंसान की फितरत है, जो चीज समझ में आ जाए तो छोड़ता जाता है। तो ये है कि अल्लाह ताला को इतना बड़ा अल्लाह का ये बस अल्लाह ही है ना, अल्लाह की बात को पहचानो और उसके हुक्म की दुआ करो और उसके मुकर्रबों से मिलने की दुआ करो। ये इल्म है, बड़ा इल्म है उन लोगों के पास जिनको रास्ता सही मिल जाए। कहते ये तो बड़ा थोड़ा सा इलम था इनके पास मुजाहिर, लेकिन सीधे रास्ते में चल गए, हमारे पास इलम बड़ा था और हम तजवीज हो गए। तो ऐसा ना हो कि इल्म बड़ा हो और रास्ता न तय हो, और इल्म थोड़ा वो बेहतर है। आज सीधा आपको रास्ता दिखा दे कि घर तक का रास्ता, बड़ा इल्म बेकार है, छोटा इल्म काफी है। वो जाहिल आप लोग जानते हो, घर वाले लोगों का इंतजार करते हो, वो जाहिल खामंद अच्छा है जो शाम को वक्त पर आ जाए। आलम जब बात कांसेंस करते फिरता है उसका बेहतर है कि वो आलम ना ही हो। तो ये घर आ जाने वाला इल्म है, ये सही इल्म है। आपने मकसद को पहुंच जाने वाला इल्म सही है, आपने खालक तक रसाई करने वाला इल्म सही है, खालक के महबूब सरसम के दरवाजे तक रसाई करने वाला सही है, वो इल्म जो आपको आग से बचाया वो सही है, वो इल्म सही है। बाकी सारे मालूम है, रोंगे हैं, जलवे हैं, वो सारे डूबने के इल्म है, ये होता रहे। इसको देखते जाओ लेकिन घबराओ ना। असली इल्म क्या है, आप बच जाओ और फिरू अल्लाह, वो इलम जो अल्लाह की तरफ से मैं फरार करा रहे, भाग जाओ अल्लाह की तरफ, भाग जाओ। कहता है इस शहर से भागो। कौन सा शहर? परेशानियों वाला शहर, घबराहटों वाला शहर, ख्वाहिशों वाला शहर। एक नई ख्वाहिश आज फिर पैदा होगी शहर से, कल एक और ख्वाहिश थी वो नहीं पूरी हुई थी, आज एक और ख्वाहिश पैदा होगी ये बनी कहा पूरी होगी। ख्वाहिश के भरे हुए लोग आधी ख्वाहिशें बढ़ती हैं, आधी जिंदा होती है, परेशान हाल बुरा हाल। इसी से बचो, ये इलम नहीं है। इलम बयान का नाम ही है, बस खामोशी का नाम इलम है। खामोश बिल्कुल तासीर है इल्म। बार बार इल्म जाना आने वाले जमानों को मुतासर करता है, मुतासर करता है, बार बार दूसरे जमानों से मिल जाता है। एक आदमी खामोश गया, किसी मजार पर गया,
हालांकि साहब मजार ने बात नहीं की, वहां खड़े होकर रोने लगे। तो मुझे क्या हुआ? तो असर हो गया, तो मुझे असर है बोलने। जब युवा किसी को किसी मजार पर जाकर बैठे बैठे आंसू आ गए, कहते ये तो पत्थर गिरता है इसको तो आंसू आते नहीं, तो वहां जाके ऐसा उसके दिल मोम हो गया कि पता नहीं क्या हो गया। वो पत्थर को मोम करने वाली शायद नाम है इल्म, संग दिल को नरम दिल बनाने वाला जो है ये इल्म है, और जालम को राम दिल बनाने वाली शायद का नाम इल्म है। कभी आप देखा जालम राम दिल जाते हैं, हो जाते हैं, आप खुद भी हो जाए राम दिल आला मेहरबानी बनवाए। ये है इल्म, इल्म जो है उस रास्ते की तारफ का नाम है, उस रास्ते की निशानदेही का नाम है। बाकी इल्म शुमार इल्म किस्में किस्में हैं, असली इल्म है जो आपके दिल पर वारद हो, तन के लिए इल्म हासिल करना याद रखना, उसे आप जरूरत कहो बस इल्म न करना। और बोलो जिंदगी का असल मकसद यह है, और बड़ा आसान सा मकसद है, इसको कोई एक मकसद आप अलाट कर दो खुद ही जिंदगी में कर देना, मेहरबानी करना एक मकसद अलाट कर दो, उसकी जस्टिफिकेशन और जस्टिफाइबिलिटी जो है ना ये बात भी तय कर लेंगे, बस उसके साथ इस्तेकामत के साथ काम रहो, कोशिश ये करो कि वो आपके दीन से दूर ना हो। दीन का तो पता चल गया ना कि दीन जो है इस कलमे के करीब रहना है, तौहीद अल्लाह का वाहिद मानना, और रिसालत अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगंबर मानना, रसूल मानना आखिरी दम तक जब तक आप हो दुनिया कायम है, कि उनकी रिसालत कायम है, ये तो होगी जिंदगी दीन की। अब इसमें आप आए हैं, इसमें मकसद क्या है? जिंदगी का मकसद यह है कि आसान सफर करो, आपने बच्चों के लिए आसान साले रिस्क तलाश करो। इसकी तरह शाखें हैं, माँ बाप के लिए आसानी बनो, अगर माँ बाप जिंदा मिल जाए तो। कहते वो खुशकिस्मत आदमी है जिसको जिंदगी में माँ बाप कायम मिल जाए, जिंदा मिल जाए, कहते बस उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, माँ बाप को राजी रखना। माँ बाप को अगर राजी नहीं रखा जाए तो फिर माँ बाप के लिए शर्त यह है कि आप फिर भी औलाद के लिए बददुआ ना करना। अगर आप माँ बाप हो और आपके लिए औलाद को वो पता नहीं आपके मकाम या मरतबे का, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके दिल से कोई बददुआ से निकल जाए, बददुआ ना देना। और मकसद क्या करना? मकसद ये करना कि ये जिंदगी के एग्जाम आसानी से गुजर जाए, यहां रहना भी आसान हो, यहां से निकलना भी आसान हो। इसको जमाने के मुताबिक या कोई असाइनमेंट दे दो मकसद की, या अपना जमाना बना लो, या वक्त की आवाज पर चलो, या वक्त को आवाज दे दो, देखा जाएगा। वक्त की आवाज पर चलना, सब मकान में जाते हैं एक प्लाट जरूर ले लो, ये वक्त की आवाज है, एक प्लाट ले लो, एक मकान बना दो, कुछ ये कर लो, कुछ वो कर लो, कुछ और से कारोबार जैसे जमाने के हैं, एक पेशा इख्तियार कर लो, तो इसके अंदर वक्त गुजर जाएगा। या वक्त को आवाज दे दो, कहता हम जमाने के साथ नहीं चलते, फिर आप ये कहो कि कोई नया अनोखा कारनामा कर दो जिस तरह दुनिया में लोगों ने किया। कुछ लोग होते हैं जमाने को बदलने वाले, कुछ लोग होते हैं जमाने के साथ चलने वाले, तो वहां पर आपको मकसद मिल जाएगा। जिस जमाने में अल्लाह ने पैदा किया उस जमाने के साथ साथ बतरी के आसन चलते चले जाओ, ये जिंदगी का मकसद है। तो मकसद यह है कि आप तीन काम कर लो जिंदगी के मकसद के लिए। नंबर वन, रिस्क के मेहरबानी अल्लाह ताला की तरफ से यह है, थोड़ी सी तादीब भी है कि रिस्क अब कमा के खाओ। अब बात समझ रहे, रिस्क को कमाने के लिए जो जरिया बनाते हो उसे आप पेशा कहते हो, एक पेशे का इख्तियार करना, जो भी मुनासिब समझ लो उसे कर डालो, चेंज ना करते रहना। दूसरा, अपने कंटेम्प्रेरी जमाने में हम असर लोगों में इज्जत की निगाह से देखे जाने के लिए कुछ जतन करो, रेस्पेक्ट हो जाए, लोगों में बदनाम होने से बचना, यह पूरा इसमें इखलाक याद आ जाएगा। कोई कहने की जरूरत कौन नहीं है, लोगों का फैसला गलत कभी नहीं हुआ, तो लोगों में आप बदनाम होने से बचो, लोगों के अंदर बायस से एहतराम नहीं हो सकते हो तो कम अज कम माफी वाले बन जाओ कि लोग आपके लिए कोई दुष्टान तराजी न करें, बुरा ना कहें आपको। ये दो काम, पहला का पेशा मुकम्मल, कोई छोटा मोटा वाले कारोबार LLB कर लो, कुछ थोड़ा सा कारोबार कर लो, छोटा सा बात कर लो, कोई छोटा सा दुकानदारी कर लो, दुकानदारी को कारोबार लंबा फैला लो, कोई इंटरनेशनल मतलब बना लो, एक बात है। उसके बाद क्या करो कि लोगों के अंदर मोहतरम होने का लिए कोई मुनासिब जतन करो, लोगों के साथ एहतराम करोगे लोग तुम्हारा एहतराम करेंगे।
बुरा मशहूर होने से बचो, क्योंकि बुरा मशहूर होने से बुरे हो जाओगे एक्चुअल। तीसरी बात, पैसे के लिए जरूरी है कि जिंदगी के मकसद के लिए कुछ अपने आप से तारफ करना, यानी कि अपने आप की रूहानी तश्कील करना, कि अपनी खुशियों और गम को जानना, अपने एहसास को मुरसा करना, अपने और अपने खालक के साथ तल्लक करना, तो बात आसान होगी। दुनिया से तल्लक और मालक से तल्लक, इन दोनों के दरमियान जो है मकसद हयात बना लो। ऐसा मकसद कि खालक से तल्लक टूटे ना और दुनिया से रिश्ता जो है जुड़ता रहे। अब आप ये समझ लो कि ऐसे लोग जो कहते हैं जिंदगी कामयाब हो गई, खुदा से दूर हो गए हम लोग, तो वो मकसद न बनाना, कि मकसद पूरा हो गया और खुदा से दूर हो गया इंसान, कि उसने एक डन बना दी, कैबिनेट डन बना दी, कामयाब चलता रहा तो कामयाब क्या चला उसने, क्या खालक की नाराज हो गया। खालक की रजा के साथ साथ मखलूक की रजा में रहना, भैया जिंदगी का मकसद बना लो, इसका कोई ना कोई दरियाफ्त कर लो, कोई नाम रख लो, अपनी जिंदगी में आसान हो और लोगों की भी आसान हो, रहना भी आसान हो और रुख्सत भी आसान हो, ऐसी जिंदगी का मकसद बना लो कि तुम भी खुश रहो और तुम्हारा अल्लाह भी नाराज हो। छोटा सा मकसद बना लो, कम से कम कहते ये हैं कि कम ख्वाहिशात का रास्ता बनाओ, बहुत आसानी पैदा हो जाएगी। और बताने वाले बताते हैं कि लिव एज लिटिल एज यू कैन, लिव न करना बहुत, बस थोड़ा सा लिव करना। क्या मतलब? कि कोशिश करके जिंदा न रहना, जिंदा इस तरह रहना जिस तरह चुपके से रहते चले जा रहे हो, जैसे दरिया बहते चले जा रहे हैं, आप भी बहते चले जाओ, चलते चले जाओ, वाकत खुद बखुद जाएंगे, नींद आ जाए सो जाओ, खाना खा लो जितना मिलता खा लो, कुछ अर्से के बाद कोई बुरा खाना आप ऐसे नहीं खा सकते, आपको चीनी बंद हो जाएगी, फिर आपका नमक भी बंद हो जाएगा, और कुछ अर्से के बाद बंदे ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ऐसा हो जाता है वाकई आदमी खुद आ जाने क्या क्या हो जाता है, फिर डॉक्टर साहब कहेंगे तू खाना वैसे ही बंद कर, तू गोली खाते जा, और तू वैसे ही आप ये भी बंद कर, ये भी असर नहीं होता, ऐसे ना बात। इसलिए बड़े आराम से जिंदगी जो आता जा रहा है मोहब्बत के साथ खाते चले जाओ, वक्त गुजारते चले जाओ, उनकी याद तो उनकी याद है, उनकी याद में रहो, जिनके पास जाना है मर के उनकी याद कायम रखो, बस जिंदगी कामयाब है, यह मकसद हयात है। अल्लाह ने कहा कि इसको मैं इबादत, अल्लाह ने कहा मैंने इबादत के लिए पैदा किया। अब इबादत का मफहूम यही है, क्या है? अपने ज़माने की ज़िंदगी गुजारो और उनके ज़माने की मोहब्बत रखो। अब मेरी बात समझ रहे हैं? ये बात है पक्की, याद करो सब लोग कि इस ज़माने की ज़िंदगी गुजारो और उस ज़माने के लोगों का ईमान कायम कर लो। ये ना कहना कि इस ज़माने की ज़िंदगी तरह कर देना ना, तो ईमान उन ज़माने के लोगों वाला और ज़िंदगी इस ज़माने के लोगों वाली, बस ये है मकसद है याद। क्योंकि अल्लाह ताला ने बड़े देर आपको रिजर्व रखा है, संभालते संभालते अल्लाह ताला ने भेजा 1400 साल बाद भेजा है कि आप इस ज़माने में तुमको गुल खिलाओ, तो गुल खिला के जाओ ना, सिर्फ यही ना करे उस ज़माने के मतलब भी आपका कहानी सुनाते रहो, हमें इस ज़माने की कहानी बनाओ, पुरानी मिसालें सुना सुना के पागल कर दिया, नई मिसाल बनाओ, नई कौम आप लोग, और पुराने मतलब भी हमने बयान कर दिया, पुराने तो बड़ा साफ है कि अल्लाह की तौहीद और उसके रिसालत हुज़ूर पाक की तरफ से, बात खत्म हो गई, पुराने पाक आप तक आ गया, बात खत्म हो गई। अब आप इस ज़माने को गुजारो उस ज़माने की मोहब्बत, हुज़ूर पाक से मोहब्बत ऐसी रखो जैसे पुराने सहाबा किराम की, और ये जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे मोस्ट मॉडर्न लोग गुजार रहे हैं, तो गुजारो, कामयाब जिंदगी है, महरूमी का नाम कोई इलाही याद रखना, अब चलते जाओ हासिल करते जाओ, पैसे जो अब ज़्यादा आ जाएं और उसको खराब करना शुरू कर दो, जब काम आ जाए सब्र करना शुरू कर जाए, बस जिंदगी वाकत हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। पैसे को इबादत में न दाखिल करना, अल्लाह ताला की मोहब्बत में रहना, पैसे की मोहब्बत से बचते रहते बेहतर है, ये जिंदगी है, मकसद याद है, मकसद याद है। फिर अब किसी की मोहब्बत में रहना, किसी की इताअत में रहना, यह मकसद याद है, आसान हो जाएगा। आप बोलो और बोलो, आप बोलो और कुछ बात, हाँ बिलाल साहब क्या कह रहे थे बोलते जाओ। अगर आपके कुछ बोले आवाज मुझे काम सुनते हैं, अगर इंसान के ऐसे दोस्त हों जो एथियस्ट हों, काफिर हों, हाँ उनके साथ क्या ताल्लुक होना चाहिए? नंबर वन तो दोस्त में मिलाओ, मतलब ये कि एथियस्ट से दोस्ती दोस्ती रखो, ये नामुमकिन बात है कि अल्लाह से प्यार और अल्लाह के मुनकरों से भी प्यार। इसके लिए भी आपस में पढ़ रहे थे कि वो लोग जो मुसलमानों से दोस्ती करते हैं बज़ाहिर
और फिर जब आप शैतानों के साथ जाते हैं उनके पास, तो वह कहते हैं हम इन मुसलमानों से मजाक कर रहे हैं। याद रखना, ये चीज जाए तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, पॉलीथीस्ट तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, जो कसरत कोई खुदाओं के मानने वाला वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, मुनकर खुदा दोस्त नहीं हो सकता। तेरे खुदा को नहीं मानते तेरे साथ दोस्ती क्या होती, मतलब तेरे अल्लाह को नहीं जानता। जो तेरे बाप को गाली दे या ना माने तो तुम उसके साथ दोस्ती करते फिरते हो, माल की बात है। जो तुम्हारे खानदान को ना माने तुम उसके साथ दोस्ती करते फिरते हो, तेरे भाई को ना माने तुम उसके साथ दोस्ती करते फिरते हो, तेरे खुदा को ना माने तेरे रसूल को ना माने तुम दोस्ती करते फिरते हो। दोस्ती क्या हुई, वाजबी वाजबी को जरूरत है कारोबारी तो आप कर लो, दोस्ती नहीं करो, दोस्ती का लफ्ज जाना आप डालो वहां से। कभी डीलिंग करनी पड़ जाए आप जिस तरह वाजबी डीलिंग होती है आप कर लो, पैसा दे दो, मतलब जापान से सामान खरीद लो, ये चीज को दोस्त ना बनाओ। मतलब यह है कि अगर तुम उसको मानो चीज नहीं बनाओगे तो वो तुम्हें चीज बना देगा, असर करेगा। इसलिए बिलास मा भी अपने आप पर जो है ना गुंजाइश न रखो, उसको काफर को अपने साथ दोस्ती की गुंजाइश रखो, अपने ईमान पर कभी हो। बल्कि बड़ा एक हदीस शरीफ है कि सहाबा किराम ने पूछा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप ये फरमाइए कि हम लोग इस्लाम से किस तरह की मोहब्बत करें। आपने फरमाया जिस तरह है वो दुनियादार दुनिया से मोहब्बत करता है, तुम दीनदार दीन से मोहब्बत करो। ये चीज सिर्फ दुनिया से मोहब्बत करता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो दुनिया की मोहब्बत ही तेरे अंदर नुमाया कर दे राम के साथ, और कहीं ऐसा ना हो कि आप इस्लाम फिल्म के जरिए आप देखना शुरू कर दो तो फिल्म वाला कभी भी आपको इस्लाम नहीं सिखाएगा। तो इस्लामी फिल्में शुरू कर दो ना, मतलब बस इतनी सी बात है आपका सारा अकीदा टूट जाएगा। अकीदा वही बेहतर है जो आपको अमारत से में मिला है, इसकी शक्ल मत बनाओ, ये जैसा है वो ठीक चला रहा है। तो ये चीज दोस्त को आप थोड़ा सा अच्छा दूर के तलक रखो, उसे वाजबी चीज बात रखो, दोस्त ना बनाना। इसमें कोई रियायत की बात नहीं है, अगर रियायत की बात होती मैं जरूर कहता उसको भी मिलाओ हमें भी मिलाओ। एक ऐसे लोग होते हैं, चीज क्या होता है ना, जो तेरे खुदा को नहीं मानता कम अज कम तुम उसको दोस्त ना बनाओ, मेहरबानी करो। दोस्तों का हल्का जो क्लियर होना चाहिए आपका, हम ख्यालों को दोस्त बनाओ, जो गैर ख्याल है उसको वाजबी वाजबी तलक रखो, उसको अगर तुम कायल ना करो कम अज कम बेहतर है उसको अवॉइड करो। उसके बगैर गुजारा नहीं होता, अगर आपका कारोबारी गुजारा नहीं होता तो कोशिश करो कारोबारी गुजारा हो जाए। अगर अल्लाह रिज़्क देने वाला है तो कारोबारी गुजारा हो जाएगा, कोई और रिज़्क देने वाला है तो आपका ईमान बड़ा कमजोर है, अभी ध्यान करो इसको, बचो यहूदी से बचो। हर चंद के खूबसूरत लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, जैसे भी अच्छे होते हैं हुक्म है बंद, तो हनूद से बचो, यहूद से बचो, हिंदू से बचो, गाय खाने जो पूजा करने वाले हैं इनसे बचो, और एक चीज से बचो, तुम्हारे खिलाफ मानते नहीं। इसलिए इसे बड़ा जरूरी है कि आपके लिए मोहब्बत वो रखो जो महबूबों तक ले जाए, ऐसा तो जो गैर के ले जाए। आधा सफर, यही बात भी याद रखो, आधा सफर संगत की इस्लाह के साथ ही पूरा हो जाता है। अच्छा संग बना लो, सफर की जरूरत ही बोलो, आधा सफर घर बैठे पूरा हो गया कि दोस्त सही मिल गए, अब सफर जाना आधा पूरा हो गया। अब मेला चिरागा है, माधोलाल सदा पे जाना है, शाह हुसैन का उर्स आ रहा है, शाह हुसैन का उर्स मनाने वाले जाना के सारे हम क्या घर बैठ जाओ तो घर ही उर्स हो गया, क्योंकि आपको अच्छे साथी मिल गए। संगत जो है ना ये आपकी सही होनी चाहिए, संगत गलत ना करना, आपकी संगत या गलत ना हो, संगत सही हो जाए तो आधा सफर घर में हो जाता है, पूरा हो जाता है, याद रखो ये बात।